तो भाई एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देना है पबजी से रिलेटेड, अनबैन से रिलेटेड उसके। अरे हाँ, दोनों भाई बैठ मिलके अपना चिज्जी का सेवन कर रहे हैं। ये दारू है और चखना है। अरे ये सब चीज का बैठ के आनंद उठा रहे हैं। अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग मेरे यूट्यूब के रील्स के चाहने वालों, सभी को बहुत बहुत स्वागत है नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे बैक साइड से, ठीक। और यहाँ पे बैक साइड पे भांग वालों का बिल्कुल धंधा चौपट कर चुका है हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने जुताई कर दी है तो सारे में भांग की कमी हो चुकी है इस टाइम, है ना। तो अभी हम देखने को भांग कम मिलेगी, बस ये थोड़ी बहुत ही रह रही है और ये भी गंदी है क्योंकि इसमें सारा वेस्ट जो पानी है वो आता है। पर खैर भांग वालों को क्या पता, भांग वाले तो अपना उखाड़ कर चलते बने, है ना। तो ये है सीन, इस टाइम सारे में चौपट कर चुका है भांग वालों का धंधा, हमने सारा खेत जुतवा दिया जिससे जो कि कम आए, मतलब भांग वाले इतने आ जाते हैं ना पीछे भांग मलने के लिए बहुत। और ये कुछ आंधी के नमूने अब भी पड़े हैं यहाँ पे, ये तो पड़े ही रहेंगे, इनका तो खैर काम यही है। अब भी मौसम आज भी थोड़ा सा खराब हो रहा है, देखो कुछ थोड़ा सा अजीब सा मौसम हो रहा है आज भी, मतलब धूप है नहीं और मतलब गड़बड़ हो रहा है मौसम। और हमारे जो पीछे कलौंजे के पेड़ हैं उनमें कलौंजे लग चुके हैं। इसी के साथ साथ ये देखो क्या हाल हो गया यहाँ, और भी बेकार हाल हो गया, मतलब हाल बेकार नहीं, इसको ठीक करा जा रहा है। ये देखो जैसे खंबा गाड़ा है ना, कि ऐसी खंबे गाड़े जाएंगे यहाँ तो ठीक है भाई, यहाँ खंबे लगेंगे ही सारे में। और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि जो हमारे यहाँ कलौंजे लग रहे हैं जिनको हमारे जीजाजी जिंदा पल्स कहते हैं, पल्स वाली टॉफी सुनी होगी ना, तो ये वो है, वो तो नहीं है पर खैर उससे उसी की तरह की है, मस्त होती है खाने में। तो ये देखो ये रही, इनको कहते हैं कलौंजे, इनका अचार भी बनता है कलौंजे का, है ना, मिर्च कलौंजे छोंक लेते हैं और भी खैर काफ़ी मटेरियल बनता है। तो ये शुरू हो गए लगने, ये देखो ये लग रहे, ये रहे छोटे छोटे ये लग रहे, अब इनमें काफ़ी बोर आ गया है, ये आ रहा है काफ़ी, मतलब ये हो जाएंगे जल्दी शुरू हो जाएंगे, खैर ऊपर तक काफ़ी में जगह लगे ही पड़े हैं। तो खैर ये विचार है, विचार तो खैर ये है कि मौसम हो रहा है खराब आज, कुछ इस हिसाब का मौसम हो रहा है और ये पता नहीं किस वजह से हो रहा है। खैर अलर्ट तो दे ही रखा है और अलर्ट भी इस हिसाब से दे रखा है कि 25 से 27 तक दे रखा था, तो आज 27 तारीख की हो गई है, तो 25 तारीख को तो हुआ था मौसम खराब, फिर 26 को धूप रही, अब 27 तारीख आ गई है और अब देखते हैं क्या बनता है विचार। अगर कहीं बाहर भी निकले तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है बस। वो सामने हमारा ट्यूबवेल है, आप भली भांति परिचित होंगे उससे, हो रहा वहाँ उसका भी अभी कुछ कह नहीं सकते कि वो साफ होगा अभी नहीं भी होगा। खैर कमेंट सेक्शन में तो आया है कि साफ करवा दो स्विमिंग पूल, गर्मियों में मजा आया करेगा नहाने में। बाकी लेट्स सी, गंदा काफ़ी हो रहा है पर साफ करने में आफत तो आएगी, पर देखेंगे जो भी होगा वो पूरा अपडेट रहेगा उससे, ठीक है। और हाँ भाई जल्दी से सब्सक्राइबर ध्यान दें कि 50 सब्सक्राइबर और रह गए हैं, फटाफट से 1K हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से करवा दो, ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो खैर लेट्स सी, नहाएंगे धोएंगे उसके बाद आगे का सीन देखते क्या होता है, ठीक है। सो गाइज वेलकम बैक, नहा धो के हो गए रेडी और तुम इस टाइम मौसम देख ही सकते हो कि कितना मतलब बेहतरीन हो रहा है, बेहतरीन इन द सेंस काफ़ी सेंटी मौसम हो रहा है, सेंटी इन द सेंस आप खुद ही देख लो, मतलब अलर्ट वाला मौसम पूरा है, सुबह बारिश हो चुकी है, काफ़ी मतलब ठंडा मौसम हो चुका है इस टाइम। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ जरा मार्केट काम से, मतलब जरा एक आध जनों के घर आम दे के आ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने आम मंगाए थे, है ना। तो ये सीन है फिलहाल के लिए, और नाश्ता पानी करके हमने एकदम परफेक्ट रेडी, और फिर उसके बाद जाना 1975 में
क्योंकि जो नंबर हमको चाहिए था वो हमने कर दिया है बुक, है ना। चलो पहले पहुंचते हैं, उसके बाद करेंगे बात। तो भाई इस गाड़ी का नंबर कर दिया बुक, नंबर है काफी वीआईपी इस बाइक का, जो कि इस पे लगेगा एज यू ऑल नो दैट अबाउट इट। ठीक है, तो मंडे को इसका नंबर आ जाएगा और रेडी हो जाएगी फटाफट से। और आई एम हेयर इन 1975। ठीक है, तो अभी जा रहे हैं, थोड़ा मौसम भी बढ़िया हो रहा है, घूमने लायक हो रहा है ना, तो घूमने के लिए जा रहे हैं कहीं पे ऐसी राउंड मारने के लिए। ठीक, तो भाई इतने प्यारे मौसम में बाइक चलाने का अपना एक अलग ही टसन होता है। टसन क्या होता है, मतलब एक अलग ही मजा आता है ऐसे मौसम में बाइक चलाने का। और 1975 पे निकलने के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर श्रीजय प्रताप सिंह बिस्ट एसपी। जय श्री राम कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब हम जा रहे हैं जरा एक ऐसी राउंड मारने के लिए सन्ने साइड तक तो नहीं, उससे पहले ही रुक जाएंगे कहीं पर। देखते काफी मौसम बहुत सेंटी मौसम हो रहा है एकदम से। आई लव कोटद्वार, ये यहाँ का होटल पैराडाइज, कॉर्बेट होटल पैराडाइज काफी बढ़िया है, बेहतरीन। तो गाइज हम आए हैं इस टाइम सन्ने से काफी पहले, एक ग्राउंड सा पड़ता है इधर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ आए हम ऐसी फोटो शूट के लिए। गाड़ी देखो बाइक में अपनी अंदर ही ले आया, वहां से गेट खुल रहा था ना, काफी दूर है वहां गेट, दूर है और वहां से पैदल तो आ नहीं जाते, इसलिए फोटो शूट के लिए हम अपनी बाइक को अंदर ही लेके आ गए। ये देखो जंगल में मोर नाच रहे हैं, काफी बढ़िया दृश्य हो रहा है, रोनाल्डो का एक्शन। तो काफी बढ़िया माहौल हो रहा है यहाँ पे। अब तो अभी तो इससे पहले तो छाया हो रही थी, अभी एकदम से धूप होने लगी है। ये तक छोड़ के आ गया, तो अभी देखो कुर्सियों की हालत देखो क्या हो गई, टांगे तोड़ के ईंटों पे लगा दी, मतलब ऐसा भी होता है यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपना मस्त फोटो शूट करते हैं, है ना, उसके बाद घर चलेंगे अपना बैठ के। हाँ, तो गाइज वी आर गोइंग बैक टू होम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रास्ता है जहाँ से अभी हम आए थे बाइक लेके, काफी दूर है। ठीक है, तो दोनों जा रहे हैं अब घर वापसी, दो चार फोटो खींची, ज्यादा फोटो खींची नहीं क्योंकि धूप आ गई एकदम से। अभी तक तो मौसम सही हो रहा था और फिर धूप आ गई, तो अब हमारा मन उठ चुका है फोटो खिंचवाने से, है ना। तो फटाफट से निकल जाते हैं अपने घर को और फिर देखेंगे बाद में, शाम को अगर कहीं विचार बनेगा तो। ठीक है, सो गाइज नाउ हम हैं कॉलेज रोड पे और यहाँ दोनों भाई बैठ मिलके अपना चिज्जी का सेवन कर रहे हैं। ये दारू है और चखना है, अरे ये सब चीज का बैठ के आनंद उठा रहे हैं। चलो भाई साहब आज हमारे छोटे भाई इसको चलाएंगे, देखे कैसे चलाता है यार। एक लगा हुआ था गियर, अब न्यूट्रल हो गया। चल चला आज तू, डिफिकल्ट रहता मामला। मतलब भाई साहब नई वाली तो इतनी मजे चलाई तूने, वेट है क्या इसमें, वेट लग रहा है क्या? ना ना वेट तो बिल्कुल नहीं है, वही है। चलो भाई आज हमारे छोटे भाई साहब लेके चल रहे इसको, मजा आ रहा है पीछे बैठ के, जो बात है मजा आ रहा है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। चलो भाई काफी ना कोई नहीं, काफी बढ़िया सफर रहा इनके साथ, अच्छी तरीके से चलाई। हाँ हाँ कोई बात नहीं,
फैक्ट्री में हूँ क्या होटल ना, कोई दिक्कत नहीं। घर आ गए हैं और घर आने से पहले मतलब रास्ते में मेरे पास एक खबर आ गई थी, बहुत ही धमाकेदार खबर है, तो जरा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। वो धमाकेदार खबर क्या है, है ना, काफी मजा आ जाएगा सुन के कि वो खबर क्या है। ठीक है भाई, चलो बात कर लेते हैं उस। ये हमारा इन्वर्टर बोलता है, हर घंटे एक बीप सी मारता रहता है। खैर इसको साइड में करो। हाँ तो फटाफट से जो अपडेट देना था वो दे लेते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, BGMI अनबैन हो चुका है प्रॉपरली। हाँ मतलब ढंग से अपडेट हो चुके हैं उसके, क्लियर हो चुके हैं। और वो 27 मई यानी आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन ही ये अनबैन हुआ है, मतलब ये अब प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, तो BGMI अपडेट हो चुके हैं, मेरा भी अपडेट हो चुका है, देख लेना नेक्स्ट कि इसका जो प्रोसेस है वो कैसा है ना। तो मेन बात यह है कि ये पूरी तरीके से अनबैन हो चुका है और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, है ना। एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 27 मई को इन्होंने प्री लोडिंग पे डाल चुका है, मतलब कंप्लीट हो गया है 27 मई को। तो और जो 27 मई मतलब एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 27 मई को तुम अपडेट कर सकते हो, पर जो खेला जाएगा वो 29 मई को खेला जाएगा मंडे। ठीक है, तो मतलब अपडेट हो चुका है और वो जो खेला जाएगा वो तभी खेला जाएगा 29 मई को, है ना। खैर ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि जो iOS वर्जन है मतलब iPhone का जो वर्जन है वो 29 मई को अपडेटिंग पे होगा, मतलब जो जो इनका ऐप स्टोर है iPhone वालों का वो उस पे अवेलेबल होगा 29 मई को। ठीक, और 29 मई को ही अवेलेबल होगा, 29 मई को ही खेला जाएगा आईफोन वालों, आईफोन यूजर्स के लिए। और एंड्रॉयड यूजर के लिए 27 मई को अपडेट हो जाएगा और 29 मई को खेला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही मेन अपडेट था जो कि मैंने तुम्हें दे दिया है, और इसका तुम जरा रिसोर्सेज विसोर्सेज सब देख लो कि कैसे अपडेट हो रहा है। मेरा तो हो चुका है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, है ना। तो आप सब भी जाओ फटाफट से देखो, मतलब मजा आ जाएगा। जो बात है, अब जो सुकून सा मिल रहेगा ना खेलने में वो अलग ही चीज है। अब गेम खेला जाएगा दबा के दोबारा से, जो भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो नहीं खेल रहे थे वो सब खेलेंगे, मतलब जो BGMI था प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म अब काफी हाई लेवल पे जाने वाला है, काफी गर्मा गर्मी होगी, अब टूर्नामेंट चले करेंगे, मजे आया करेगा देखने में, है ना। तो फटाफट से प्ले स्टोर पे जाओ, सारे जाओ और अपडेट कर लो अपने BGMI को। कम से कम ये एक GB है या 1 GB के आसपास का अपडेट है, फटाफट से कर लो, है ना। और iOS वाले जो हैं यूजर्स वो 29 मई को अपडेट कर पाएंगे और तभी खेल पाएंगे। एंड्रॉयड वर्जन वाले 27 मई को अपडेट कर लेंगे पर खेला जाएगा 29 मई को, मतलब मंडे तक कंप्लीट खेलना शुरू हो सकता है। हो सकता है क्या, कंप्लीट खेल सकते हैं 29 मई से, मंडे से, परसों से, आज होगी 27 तो परसों से सब कंटिन्यू खेल सकते हैं। ई-स्पोर्ट्स मतलब दोबारा से वापिस ही आ गया है। ठीक है, तो इंजॉय करो, मजा आ जाएगा कसम से। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, मेरा अपडेट हो गया, कंप्लीट हो गया, तो मैं तो 29 से अब स्टार्टिंग करूंगा खेलने का, और तुम भी खेलो। ठीक है, तो ये अपडेट था, मजा आ जाएगा। तो चलिए भाई, अपना प्ले स्टोर खोल के आज तुम्हें लाइव दिखा देते हैं BGMI, है ना। तो ये प्ले स्टोर खोल लिया हमने और अब यहाँ लिखते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। ठीक है, तो सर्च मार दिया है, तो ये देखो ये आ चुका। खैर मेरा तो पहले से इंस्टॉल है, ठीक है, तो जिसका इंस्टॉल नहीं है उसमें इंस्टॉल का आ जाएगा। मेरा तो मेरा पूरा अपडेट कर चुका है ये, तो ये देख लो इसका पूरा जो रिव्यू है, है ना। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, अबाउट में न्यूज जो आई है क्या है, तो वो ये देख लो, जो इसका वर्जन है वो है 2.5.0, अपडेट जो हुआ था वो था 24 मई 2023 को। ठीक है, डाउनलोड भी काफ़ी है, iOS एंड्रॉयड दोनों के लिए है। और जो रिलीज डेट थी इसकी आई थिंक सबको पता ही होगी, 1 जुलाई 2021। ठीक है, तो ये है इसका अपडेट पूरा, और ये अबाउट द गेम सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, मतलब
मतलब सारे जो भी कुछ था इसकी डिटेल वो सारी लिख रखी है कि इसमें एक सूट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, शॉर्ट गन है, मतलब गन के बारे में भी है, सूट के बारे में भी है, आउटफिट, मतलब सब चीज़ है, ठीक है। सो लास्ट में यही कहना है कि प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, सबके लिए है, एंड्रॉयड iOS, ठीक है। तो जाओ डाउनलोड करो और इन्जॉय करो गेम को, ठीक है। ये लाइव प्रूफ मैंने दे ही दिया है, तो आपने देख लिया कि PUBG दोबारा से आ गया है, खेलने को मिलेगा खूब धमाकेदार गेम, है ना। और मतलब पूरा अपडेट हो चुका है, सारा अपडेट हो गया, मेरा तो कंप्लीट अपडेट हो चुका है। और अब आप लोग भी कर लो अपडेट, है ना, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जाओ देखो और इन्जॉय करो गेम। तो भाई ठीक है, तो इस वीडियो को PUBG के थ्रू ही अब यहाँ तक एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो बेल आइकन दबा देना और सारे में फैला दो कि PUBG अनबैन हो चुका है, मंडे से गेम चालू हो जाएंगे खेलने के लिए। मतलब मज़ा आएगा जब गोली चलेंगी, धमाकेदार आतिशबाजी होंगी, ठीक है। तो फैला दो खबर, PUBG अनबैन हो गया है। और इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल यू वॉन्ट टू नो दैट कि क्या हो चुका है। मेरी इंग्लिश ऐसी है, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।